हेलो फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। और आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, जो एएलपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस वीडियो को जरूर देखिए। आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं कि सीबीटी 1 का जो प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसका कितना कटअप गया था और उसके रिगार्डिंग में सारा इन्फॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए 2018 में जो वैकेंसी आई थी, आपको पता होगा कि सीबीटी 1 का जो सिलेबस है उसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था। मैं बताना चाहूँगा कि आपका सीबीटी 1 का जो एवरेज कटअप देखा गया था वो 45 जनरल कैटेगरी का दिखा गया था, उससे एक दो नंबर कम ओबीसी का थे, और एसटी एससी का आपका 25 और 30 के अप्रोक्स था। तो ऐसा कटअप गया था सीबीटी 1 का। तो आप लोग ये सोच लीजिए कि आपको सीबीटी 1 पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपका अभी भी इतने नंबर आ रहे आउट ऑफ 70 प्रीवियस ईयर, अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आउट ऑफ 70 अगर आपका 50 भी आ रहा है तो आपका समझिए तैयारी बहुत अच्छा है और आप सीबीटी 1 ऐसे ही क्वालिफाई कर लेंगे इजली। तो आप मेनली फोकस करिए सीबीटी 2 को लेकर के एग्जाम का प्रिपरेशन करें, क्योंकि सीबीटी 2 ही आपका मेरिट बनाएगा। और सीबीटी 2 में आपके जितने सारे न्यू सब्जेक्ट है, जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी ऐड किया गया है, तो उसमें ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो नए नए सब्जेक्ट है और जिसको भी थोड़ा नॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग ऐसे मतलब उसी सब्जेक्ट को लेकर के तैयारी करिए जो नए नए सब्जेक्ट अभी ऐड हुए हैं सीबीटी 2 में। तो सीबीटी 2 में ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि सीबीटी 1 में अगर आपके नंबर 50 भी बन रहे तो आप समझिए कि सीबीटी 1 आप इजली क्वालिफाई कर लेंगे और सीबीटी 2 में आपका इजली सिलेक्शन हो जाएगा। तो सीबीटी 2 के जितने भी सिलेबस है वो मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा सीबीटी 2 का सिलेबस। तो आपको मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि सीबीटी 1 का अगर जिन भाइयों का भी तैयारी हो गया है और सीबीटी 2 को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी वैकेंसी तो आई नहीं है लेकिन फ्यूचर में आएंगे, तो आपका तैयारी अगर 100% रहेगा तो आप इजली एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोकेगा। तो आप पूरा जी जान लगा दीजिए, और अगर जो भी एलपी एस्पिरेंट को लेकर के सीरियस है, पूरा एलपी एग्जाम को लेकर के पूरा सीरियस है, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा एकदम 100% एफर्ट लगाइए और डेली आप टाइम टेबल से पढ़िए कि मुझे सारे सब्जेक्ट को टच करना है, तो आपका इससे बेनिफिट होगा और आप इजली एग्जाम में निकाल लेंगे। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एलपी का एग्ज़ाम जब देने जाओगे तब आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपका कितना अच्छा से तैयारी हो चुका है, और आप जितने भी भीड़ में जो स्टूडेंट आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं उससे आप आगे रहेंगे। तो ये सोचिए, तो अभी से आप लोग तैयारी करने लगे और लग जाइए तैयारी में। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपका आंसर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे और मैं और भी आपको अच्छा कंटेंट दूंगा। तो आप तैयारी करिए और तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।